हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल पे। हाँ दोस्तों, हम आज आपको बताने वाले हैं एक छोटी सी टिप्स, जिसका प्रयोग करके आप जब भी कैंडल जलाएंगे अपने हाथ को बिल्कुल भी नहीं जलाएंगे। दिवाली का टाइम हो या घर में कभी लाइट चली जाए, बच्चे हों या बड़े हों, कोई भी मोमबत्ती का प्रयोग सबसे पहले करते हैं। पर क्या होता है, कितनी बार मोमबत्ती जलाते समय मोमबत्ती कम जलती है, आप हाथ पे मोम को गिरा जाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मोमबत्ती को सीधा खड़ा नहीं रखना है। हमारी सबसे बड़ी गलती होती है मोमबत्ती को सीधा खड़ा रखते हैं। हम जब भी मोमबत्ती जलाएं, मोमबत्ती को इस तरह से आडा रखें, और आडा रखने के बाद कैंडल को किसी और से जलवाएं या दूसरे हाथ से जलाएं। इसके बाद क्या होगा, ये देखिए थोड़ा सा मोम नीचे गिर गया है। इस तरह से जो ये मोम नीचे गिर जाएगा, इसके बाद आप मोमबत्ती को बहुत ही केयरफुली सीधा खड़ा करेंगे, और सीधा खड़ा करने के बाद आप इसे इस जिस भी जगह पे आपने रखा है उस मोम के ऊपर लगाकर छोड़ देंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारी मोमबत्ती सीधी जल गई है। अब आपके पूरे कमरे में रोशनी हो जाएगी, आपको इससे लाइट मिलेगी, और आपका हाथ बिल्कुल भी जला हुआ नहीं है। आपने क्या करा है, कैंडल को सबसे पहले सीधा नहीं पकड़ा है, आडा रखा है। आडा रख के थोड़ा सा मोम इसके ऊपर गिराया है। इसके मोम जो है ये पिघला हुआ मोम है, इसके ऊपर आपने कैंडल को सीधा खड़ा कर दिया है। इस मोम ने कैंडल को अपने आप अंदर चिपका लिया है, और अब आपकी कैंडल अच्छे से जल रही है, कमरे को रोशन कर रही है, और आपके हाथ को बिल्कुल भी जलाया नहीं है। तो यह है कैंडल यानी कि मोमबत्ती जलाने का आसान तरीका बिना अपने हाथ को हर्ट किए हुए। तो अब जब भी कैंडल जलाएं, सावधानी से जलाएं और उसकी लाइट का इंजॉय करें। अपना ध्यान रखें, अपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर विजिटिंग।